अमित जी, आपको न्यूज 18 नेटवर्क को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके शहर में हैं, आपकी कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर में है, साबरमती रिवर फ्रंट पे हैं। आप कह रहे थे कि आप ही ने इसका उद्घाटन भी किया था, आप यहां बहुत दिनों बाद आए। क्रूज का उद्घाटन शुरुआत करते हैं। अगर आप पहले दो फेजेस को देखें, और इसकी चर्चा काफी चल रही है कि वोटर टर्नआउट थोड़ा लो रहा है, कुछ कुछ स्टेट्स में 5-6% भी नीचे रहा है वोटर टर्नआउट, तो 400 पार का आपका नारा है, 370 भारतीय जनता पार्टी, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रेल पटरी पे है जी? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। जो लोअर टर्नआउट है, इसके बहुत सारे कारण हैं। 12 साल के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, एक। दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं है, जिसके कारण टर्नआउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है। मगर हमारी पार्टी की टीम ने, मैंने स्वयं बहुत डिटेल एनालिसिस किया है, हम दो चरण में 100 पार कर 100 से भी कई अधिक सीटें जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चरण में, तो मुझे 400 पार के लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। पहले शुरुआत करते हैं अमित जी मुद्दों पर। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार लोगों के बीच जा रही है? किन उपलब्धियों को आप संक्षेप में बताएं कि किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद, ये दो ऐसी समस्याएं थी जो कई दशकों से देश के लोकतंत्र के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए नासूर बनी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर लगभग आतंकवाद से 100% निजात पाई है और नक्सलवाद से आप कह सकते हैं 95% तक इसको समाप्त कर दिया है। आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 7 राज्यों में से नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बचा है, वहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और विगत 3 महीनों के अंदर ही लगभग 100 नक्सलवादी मारे गए। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही देश नक्सलवाद से मुक्ति पा लेगा। दूसरा बड़ा इश्यू है, देश की इकोनॉमी सब दृष्टि से चरमराई हुई थी, पॉलिसी बनती ही नहीं थी, उत्पादन की गतिविधियां बड़ी मंद पड़ गई थी, निर्यात ओंधे मुंह गिर रहा था, देश की सारी सार्वजनिक बैंकों की बैलेंस शीट भी न बन पाए अगर सच्ची बनाने जाए, इस प्रकार की स्थिति थी, महंगाई आसमान को छू रही थी और कुल मिलाकर बजट के 16 के 16 पैरामीटर्स नेगेटिव दिखाई पड़ते थे। 10 ही साल में मोदी जी ने ये परिदृश्य को पूर्णतया बदला है। शेयर बाजार आज आसमान को छू रहा है, एफआईआई के सेलिंग के बाद भी भारतीय म्यूचुअल फंडों ने बाजार को ताकत दी है, पीएलआई स्कीम के कारण और एक मजबूत इकोसिस्टम के कारण भारत फेवरेट डेस्टिनेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी दुनिया में बना है जी। हमारे बच्चे स्टार्टअप हर रोज रजिस्टर कर रहे हैं, हमारी कंपनियां हर रोज पेटेंट रजिस्टर्ड कर रही हैं, ढेर सारे स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, सभी की सभी बैंकों की बैलेंस शीट आज बहुत अच्छी बन चुकी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो 25 साल के टॉप मोस्ट मार्किंग पर हैं, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़कर आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से फ्यूचर में जो कुछ क्षेत्र आने वाले 25 सालों तक
दुनिया भर की इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले हैं, वो सभी क्षेत्रों में भारत आज पायनियर बन चुका है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग थोड़े लेट है, मगर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल, बैटरी का उत्पादन, अंतरिक्ष का क्षेत्र लेट होने के बावजूद मैं फिर से कहना चाहूंगा डिफेंस भी, इस प्रकार के कई क्षेत्रों के अंदर जो आने वाले 25 साल तक दुनिया की इकोनॉमी की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, वहां आज भारत एक मजबूत फाउंडेशन डाल चुका है और ये फाउंडेशन पर एक बड़ी इमारत होनी है। तो इकोनॉमी भी सुधरी है, सुरक्षित भी हुआ है, देश 11वें नंबर का अर्थतंत्र था, आज 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। गांव हो या शहर, जंगल हो या रेगिस्तान, सागर किनारा हो या शहर हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। आज 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा भारत के बजट में आम बात बन चुका है। जीएसटी कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अपने सारे रिकॉर्ड स्वयं ही तोड़ते जा रहे हैं। देश के अंदर सीमाओं को चौक चौबंद करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। जनता में भारत का भविष्य उज्जवल है, इस प्रकार के विश्वास का निर्माण करने की नेतृत्व की जो जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी जी को इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफलता मिली है। आज पूरे 130 करोड़ लोग हम विश्व में सर्वप्रथम बन सकते हैं, ये आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन हो, नई इकोनॉमी पॉलिसी हो, या फिर राम जन्मभूमि, धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक समाप्त करना, यूसीसी हो, या देश के क्रिमिनल लॉ के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करना हो, हर क्षेत्र के अंदर ये 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाले 10 साल। जनता भी ये फील कर रही है कि कोरोना जैसी महामारी को इतने अच्छे तरीके से लड़ा जा सका वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। आपकी आर्थिक और इकोनॉमिक पकड़ भी बहुत अच्छी है, आपने बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया। मेरा एक सवाल है इससे रिलेटेड, जब ये कैंपेन की शुरुआत हुई थी पिछले कुछ महीनों से, सरकार इकोनॉमी की बात कर रही थी, डेवलपमेंट की बात कर रही थी, जो चीजें अभी आपने बताई इसकी बात करके जनता के बीच जा रही थी, पहले चरण के बाद ये देखा गया कि थोड़ा ये तुष्टिकरण की ओर मुड़ा, थोड़ा हिंदू मुसलमान हुआ, आप लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अटैक किया और कहा, प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक रैली में कहा कि जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो में नक्सल, अर्बन नक्सल की महक है, इसमें माओइस्ट वो ख्याल दिखाई देता है, तो ये कहां से आया? देखिए, हमारा दायित्व है कि हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं इनकी मंशाओं को हम उजागर करें। जी, आप मुझे बताइए इस जमाने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर्सनल लॉस की बात कर सकती है क्या? क्या देश सरिया के आधार पर चलेगा? एक और, हम हमारे घोषणा पत्र के अंदर, संकल्प पत्र के अंदर कह रहे हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। कांग्रेस कह रही है हम पर्सनल लॉ को प्रमोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग की छाप है? बिल्कुल मुस्लिम लीग की छाप, यही तर्क है कि मुस्लिम लीग की छाप। आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि देश के कॉन्ट्रैक्ट्स माइनॉरिटी को प्रायोरिटी देंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट लोएस्ट कौन है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, काम करने की क्षमता है या नहीं है, इसके आधार पर निर्धारित होंगे या कॉन्ट्रैक्टर के धर्म के आधार पर निर्धारित, किस तरह से देश चलाना चाहते, देश की जनता को इसको सोचना पड़ेगा। बहुत समय के बाद देश तुष्टिकरण की राजनीति से नरेंद्र मोदी जी बाहर निकाल कर रहा है, ये फिर से उसी दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जीतने का आत्मविश्वास गंवा चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने उस रैली में यह भी कहा कि सबकी जमा पूंजी को चेक करके वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करके मुसलमानों और घुसपैठियों को दिया जाएगा, ये कहां से आता है? ये वहां से आता है, देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान है, बड़ा प्रसिद्ध बयान था जी, कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का, और माइनॉरिटी में भी मुसलमानों का है जी। अब जब वेल्थ
डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो संसाधन से ही होगी जी। सरकार उसको लोगों की संपत्ति को लेकर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो ये... और मैं कहता हूं कि अगर ये सच नहीं है तो कांग्रेस पार्टी बताए इसका मतलब क्या है। नहीं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि अगर जो है वो लोग सरकार बनाएंगे तो एक नेशन में नेशन वाइड एक्सरे होगा जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का पता किया जाएगा, किस वर्ग किस जाति के पास कितनी दौलत है, कितना धन है, इंस्टीट्यूशंस में कितनी भागीदारी है, और उस हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन में इनकी प्रायोरिटी तय है। वो कहते हैं इनइक्वालिटी को खत्म करने का यही तरीका है, वो उनकी समझ है। मुझे लगता है इतनी पुरानी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो माइनॉरिटीज और एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों को आउटसोर्स किया है। तो जो मंगलसूत्र की बात है वो कहां से आती है? वो इसी का एक स्वाभाविक रूप से जब वेल्थ आती है तो सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो स्त्रीधन हो गया लोगों के पास, जो जितनी जमा पूंजी है वो हो गई, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी सैम पिट्रोडा जी ने, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सैम पिट्रोडा एक आइवरी टावर में जी रहे हैं, इनको इस देश के संस्कार, इस देश की जनता का मूड और इस देश की परंपराओं से कोई लेन देन नहीं। तो आप कभी नहीं लाएंगे इसको, इनहेरिटेंस टैक्स को, विरासत टैक्स कभी नहीं लाएंगे? हमने हमारा संकल्प पत्र जनता के सामने पारदर्शिता के साथ रख दिया, इसमें सारी बातें, हम कुछ छिपा कर नहीं करेंगे। एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्त वो ये है कि मैनिफेस्टो को कांग्रेस के देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि ये ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुसलमानों को दे देंगी, इसका इस मैनिफेस्टो नहीं, ये कर चुके हैं जी। कर्नाटक में उनकी सरकार थी, रातों रात कर्नाटक के सारे मुसलमान को बैकवर्ड बना दिया, ना बैकवर्डनेस का सर्वे हुआ, ना कोई कमीशन बना, धर्म के आधार पर सारे लोगों को बैकवर्ड घोषित कर दिया और उनको रिजर्वेशन भी दिया। अब ये रिजर्वेशन जो कटा वो ओबीसी का ही कटा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र में जब उनकी सरकार थी, मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे दिया। तो ये किसका कटता है? एसटी एससी ओबीसी का ही कटता है। जब ये बात मैंने कही कि हम ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे तो मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी के राजनीति के अंदर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राजनीति का स्तर सातत्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी गिरा रहे हैं। संसद में आप बहस नहीं कर सकते हो, शोर शराबा करना, बहिष्कार कर देना, बोलने नहीं देना, डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या समझते देश की जनता को? देश की जनता ये सब नहीं जानती है? देश की जनता ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लोकतंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो जी। आप लोगों को भी पूछना चाहिए, मगर आप लोग सवाल हमें ही पूछते हो, उनको नहीं पूछते हैं। नहीं, जरूर उनसे भी पूछ रहे हैं हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है। एक बात जो है कास्ट सेंसस की है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, कास्ट सेंसस की है, उसके बारे में वो बात करते रहते हैं, कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, इसको आप कैसे देखते हैं? कितने साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा? 55 साल तक रहा, कभी नहीं कराया। अब जब लगातार हार रहे हैं तब ये सारे चीजों को वो बोल रहे हैं, इनकी मंशा नहीं है। इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन को इन्होंने सालों तक ओपन ही नहीं किया जी। मंडल कमीशन को दबा कर रखा जी। सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने 2 घंटे का विरोध का भाषण करा है। राहुल गांधी ने जरा वो भाषण पढ़ लेना चाहिए। और हमने तो देश को सबसे सफल प्रधानमंत्री, पिछड़ा वर्ग से और गरीब के घर से पैदा हुआ नेचुरल लीडर नरेंद्र मोदी, हमने देने का काम किया।
नैरेटिव बनाने की ये कोशिश है कि 400 पार अगर आ जाएगा तो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज करेंगे, उसके बाद फिर ओबीसी एससी एसटी के जो है रिजर्वेशन के संग आप लोग कुछ वो बदलाव करेंगे। देखिए नैरेटिव बनाने की कोशिश, राहुल जी हमारे पास 10 साल से बहुमत है जी, संविधान बदलने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी को 10 साल से इस देश की जनता ने दी है। हमने क्या किया 10 साल, हमने कभी रिजर्वेशन को समाप्त करने का अटेम्प्ट नहीं किया, हमने ये बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया, यूसीसी लाने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलने में किया, कश्मीर के अंदर शांति करने में किया। हमारे पास 10 साल से अधिकार है। राहुल गांधी का एक रूल है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, वो रूल को वो फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये नैरेटिव इसीलिए इसी बार बार बोलते हैं? नहीं, बनता है नैरेटिव, हम 10 साल से अधिकार प्राप्त किए जी। आपने सिक्योरिटी की बात की तो मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूंगा कि आपने कहा है कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने बहुत क्या कहते हैं नक्सल पे क्रैकडाउन किया, आपने कहा है कि 2-3 साल में छत्तीसगढ़ में भी आप इसको समाप्त कर देंगे नक्सलियों को, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि ये मार्टर हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जिसका खराब समय होता है प्रभु राम सबसे पहले इनकी मति हर लेते हैं। कांग्रेसियों के साथ भी शायद यही समय आ गया है। हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर घने जंगलों के अंदर ऑपरेशन कर नक्सल्स को मारते हैं और नक्सल कहते हैं कि हमारा कैडर मारा गया है और कांग्रेस पार्टी कहती है फेक एनकाउंटर है जी, भगवान ही बचाए इनको, भगवान भी शायद नहीं बचा सकता। आपके पिछले कार्यकाल में आप लोगों ने काफी बड़े काम किए, आपने आर्टिकल 370 को रद्द किया, आपने सीए को इम्प्लीमेंट किया, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ लाए, आपने तमाम इस तरह के बड़े काम किए, पर अगर आज आप ऑपोजिशन को देखें तो काफी ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि जो है ये जो 370 को जो है वो वापस लाएंगे, कहते हैं सीए हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, और सारे बड़े नेता ममता बनर्जी चिदम्बरम जी ये सब इस तरह की बातें करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इनके माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने का टोटका है, उनको न सत्ता में आना है न 370 को वापिस आना है, न उनको सत्ता में आना है न सीएए रद्द होना है, उनको भी मालूम है, मगर वो माइनॉरिटी एपीसमेंट कर माइनॉरिटी के वोट अंकित करना चाहते, एकमात्र कारण से झूठ फैला रहे हैं। मैं इस इंटरव्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में जब तक है 370 फिर से नहीं आ सकता, सीए समाप्त नहीं हो सकता, अब ये इतिहास का हिस्सा बन चुका है 370 और सीए वास्तविकता बन चुका है। सिर्फ आप इससे सिर्फ आपने इसको जल्दीबाजी में इम्प्लीमेंट कर दिया कि इससे कुछ नागरिकता भी लोगों को मिलेगी, और ये कब तक पॉसिबल होगा, इसका क्या टाइम फ्रेम है? देखिए एप्लीकेशन आना शुरू हो गया है, रूल्स के हिसाब से इसकी स्क्रूटिनी हो रही है, मुझे लगता है चुनाव के पहले ही मतलब अंतिम मतदान के पहले ही नागरिकता देने की शुरुआत हो जाएगी। आप लोग अमित जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो है पर्सनल लॉस की बात कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये वोट कहीं ना कहीं आप लोग अपना अपना वोट साध रहे हैं। अपना अपना वोट नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान का मैंडेट है जी, गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत जो संविधान ने हमारे लिए बनाया है उसमें लिखा गया है कि देश के विधानमंडल और देश की संसद ने उचित समय पर यह प्रयास करना होगा कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। मुझे लगता है उचित समय आ गया है, और यह आज से हम नहीं कह रहे जी, हमारी पार्टी बनी इसके पहले घोषणा पत्र में था कि देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अगर यह देश पंथ निरपेक्ष है तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकते हैं जी, नहीं होने चाहिए। तो
सलमान खुर्शीद जी ने अभी कुछ दिनों पहले उनका स्टेटमेंट जो है वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे थे कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की गवर्नमेंट जो बनी वो सिर्फ इस वजह से बनी क्योंकि इट कुड क्लॉ बैक एनलाइटेंड मुस्लिम इनटू इट्स फोल्ड, कांग्रेस कुड क्लॉ देम बैक इनटू देयर फोल्ड। इसको आप कैसे देखते हैं? इसके आधार पर ही शायद उनका घोषणा पत्र बना है। सलमान खुर्शीद जी ने घोषणा पत्र ऐसा क्यों बना इसका रहस्य ही खोल दिया है। वो फिर से करना चाहते हैं मगर उनको मालूम नहीं है देश की जनता जागरूक हो गई है। आपकी एपीसमेंट की पॉलिसी अब इसलिए सफल नहीं होगी कि एक एपीसमेंट जब आप करते हो तो दूसरा वर्ग जागृति के साथ काउंटर प्रोडक्टिव रूप से लामबंद होता है जी। अब ये सफल नहीं होंगे। इधर बीच घुसपैठियों की बात हो रही है। आपने सीए इम्प्लीमेंट किया, मैनिफेस्टो में एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए सीए का इम्प्लीमेंटेशन कोविड के कारण लेट हुआ है और हम मानते हैं कि पहले सीए को जमीन पर उतारना चाहिए। वो प्रक्रिया अब चल रही है और जहां तक घुसपैठ का सवाल है, अब देश के एक ही राज्य से घुसपैठ हो रही है, बंगाल से जी, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का उस पर वरद हस्त है। वो घुसपैठियों में अपनी वोट बैंक दिख रही है। उनको घुसपैठ में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है वो नहीं दिखाई पड़ता है। उनको लगता है कि मेरे वोट बढ़ रहे हैं। न केवल बंगाल, समग्र देश के लिए ये बहुत खतरनाक सोच है। मैं बंगाल की जनता को हृदय से अपील करना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाइए, इसके बाद वहां भाजपा सरकार बनाइए। हम ऐसी बॉर्डर बनाएंगे कि परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। इसीलिए सीए का दमखम से वो विरोध भी कर रही है। इसीलिए वो कर रही है, वो कह रही है कि जो है हम सीए कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उनको मालूम नहीं है नागरिकता सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट को कुछ करना ही नहीं है। शायद मालूम है मगर माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए वो बोल रही है। अमित जी, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये आपका एक बहुत बड़ा वादा था जो आपने निभाया, मगर ऑपोजिशन ये कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे। हमने तो वोट लेने का कारण ही समाप्त कर दिया। ऑपोजिशन को चिंता इसलिए है और पूरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना, शांतिपूर्वक तरीके से बना, संवैधानिक रूप से बना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। माइनॉरिटी के डर से वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसलिए पूरा देश उनसे नाराज है। हमने कभी ये नहीं कहा कि राम मंदिर बनाया इसलिए हमें वोट दीजिए, मगर पूरे देश की जनता जानती है 70 साल से लोगों ये लोग अटका कर रखे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी और आज भव्य राम मंदिर समग्र देश को आह्लादित करने वाला राम मंदिर बना है। अमित जी, एक आखिरी सवाल हिंदू मुसलमान की जो चर्चा रही उस पर मुझे आपसे पूछना है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल, एक साल पहले, पासमंदा मुसलमानों को एक आउटरीच भी किया, उनके 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 बारे में बातचीत भी की, उनके बारे में वो सोचते भी काफी हैं। एक तरफ ये बात हो रही है और एक तरफ ये, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? जरा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ पसमंदा मुसलमानों को आउटरीच नहीं किया है जी, ट्राइबल्स को भी किया है, दलित को भी किया है, पिछड़ा वर्ग को भी किया है, गरीबों को किया है, किसानों को किया है, मातृशक्ति को, महिलाओं को किया है, युवाओं को भी किया है। वो उनका काम है, दायित्व है जी। विकास की रेस में जो पिछड़े हैं इनको सबके साथ एक लाइन में लाकर खड़ा करना वो सरकार का दायित्व है। मुझे इसमें कोई अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़ता। माहौल चुनाव का है और आप हमारे साथ हैं, आपके प्रेडिक्शंस जो है बहुत दिनों तक बात करते हैं लोग कि अमित जी ने पहले ये बोला था ये सही हुआ, तो कुछ स्टेट्स पर जाते हैं, गुजरात में हैं आपके साथ, तो गुजरात से शुरुआत करते हैं।
पिछले दो चुनावों से 26 में 26 सीटें आ रही हैं, क्या इस बार हैट्रिक करने की आपको पूरी उम्मीद है? निश्चित रूप से गुजरात में हम 26 की 26 सीटें जीतेंगे। सब और मार्जिन भी सब सीट पर हमारे 19 के चुनाव से ज्यादा होंगे। कुछ ये बात चल रही थी कि क्षत्रिय जो हैं वो थोड़ा सा रूठे हुए हैं आप लोगों से, आप उनके लिए हम बरोबर संवाद कर रहे हैं उनसे जी। मुझे पूरा भरोसा है सब चीजें अपनी जगह पे ठीक होगी, हम 26 की 26 सीटें भी जीतेंगे और हमारे मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी होगी। कर्नाटक की ओर चलते हैं, कर्नाटक का चुनाव आपके लिए बहुत अहम है, पिछली बार आप लोगों की वहां बड़ी जीत हुई थी, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आपकी हार भी हुई है हाल फिलहाल में, तो ऐसे में आप कर्नाटक को कैसे देखते हैं, खास करके अभी एक बहुत रमन्ना जी का एक आज आपने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बयान भी दिया है, तो आप जो उनका महिला जो प्रताड़ित महिलाएं हैं जो उसको आप कैसे देखते हैं, क्या क्योंकि वो आपके जो वहां पे सदस्य हैं आपका वहां उनसे अलायंस है, तो आप कोई अलायंस के प्रेशर में आ जाएंगे, क्या कठोर कदम उठाएंगे आप? मैंने आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है, कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, मगर प्रियंका जी और राहुल जी ये कह रहे कदम क्यों उठाए नहीं जा रहे, शायद उनको मालूम ही नहीं है पोजीशन। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को संभालना होता है और वहां उनकी सरकार है, कदम उनको उठाना है हमें नहीं उठाना है जी। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस घटना की घोर निंदा करती है और किसी भी हालत में कोई भी हो इसको सहन नहीं किया जा सकता और कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। और भारत सरकार के विमेन कमीशन ने आज कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भी निकाल दिया है, तो अलायंस का कोई प्रेशर नहीं है, कोई उसके दबाव में आप कभी नहीं आएंगे इस मामले में? ना हम पर दबाव है ना हम दबाव में आएंगे। एक और कांड हुआ था नेहा हिरमत वाला किस्सा, जिसको कि एक लव जिहाद का कलर मिला है। कलर नहीं भाई जी, ये पक्का मामला ही लव जिहाद का है, यही मैं आपसे जानना चाहता था, इस पर अगर आप कुछ बता सके, क्योंकि सीएम और होम मिनिस्टर ने कहा यह पर्सनल मामला है। वो अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के कारण ऐसा कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, बच्ची को किसी भी बच्ची को कॉलेज में सुरक्षा कैंपस में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए जी? इस तरह से हत्या होती है और उसको पर्सनल मामला बताकर इस सामाजिक दूषण से आप नजरें चुरा रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए। उनको तो बम ब्लास्ट होता है, वो भी गैस सिलेंडर का ब्लास्ट लगता है, जब एनआईए जांच लेती है तो पूरा पकड़ा जाता है। बेंगलुरु में 10 साल से बम ब्लास्ट नहीं हुए थे, इनकी सरकार आई एसडीपीआई का समर्थन उठ लिया और अब बम ब्लास्ट होने लगे। अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण कितने नीचे जाएंगे, देश की सुरक्षा, बेंगलुरु की सुरक्षा, कर्नाटक की सुरक्षा, इसको भी कांग्रेस पार्टी ताक पर रख रही है। ऐसे माहौल में जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की, कितनी सीटें देते हैं आप कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को? देखिए अभी एक चुनाव होना बाकी है जी, मगर मुझे लगता है कि कमोबेश हम हमारी पोजीशन को बरकरार रखेंगे। जितनी सीटें पहली थी उतनी ही आपकी इस बार भी रहेंगी, मतलब करीब 25 सीटें? नहीं, 27 सीटें थी हमारी। 27? हाँ, मतलब ये तो मतलब बड़ा बयान है आपका। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, महाराष्ट्र में एक अमित जी अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, दो दल टूटे हैं, एक दल एक टुकड़ा आपके साथ है, एक टुकड़ा उधर है, ये कहता है हमारा ओरिजिनल है, वो कहता है हमारा ओरिजिनल टुकड़ा है, मगर ऐसे में क्या आपको लगता है कि उद्धव और शरद पवार जी के लिए कुछ सिंपथी वगैरह थोड़ी वहां हो सकती? देखिए महाराष्ट्र की जनता मोदी जी के साथ है जी, जो मोदी जी के साथ है उसको वोट मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन बने इस पर लड़ा जा रहा है। दो खेमे स्पष्ट हैं, एक और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए है, एक राहुल बाबा और शरद पवार, ममता जी, स्टालिन, तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस है जिसका कोई नेता ही नहीं। अब देश की जनता ने तय करना है कि किस व्यक्ति को चुनना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाला इंडिया अलायंस है, दूसरी ओर 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं लगा ऐसे नरेंद्र मोदी है, एक और गर्मी आते ही छुट्टी पर जाने वाला दल है,
विदेश में छुट्टी पर जाने वाला, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी छुट्टी न लेकर सरहद पर जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। एक और अपने बेटे बेटी भतीजे बहुओं के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल है, दूसरी ओर देश के गरीब महिला किसान युवा के लिए काम करने वाले नरेंद्र मोदी है। तो देश की जनता ने तय करना है कि देश को सुरक्षित करने वाला व्यक्ति चाहिए या वोट बैंक के लिए देश को सुरक्षा को ताक पर रखने वाले वोट चाहिए, देश के अर्थतंत्र को बढ़ाने वाला व्यक्ति चाहिए या अर्थतंत्र को डुबोने वाला ग्रुप चाहिए। देश की जनता ने राहुल जी फैसला कर लिया है, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो दल मोदी जी के साथ है उसको वोट देगी। ये चुनाव मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। 41 सीटें थी आपकी पिछली बार गठबंधन की, इस बार आप नतीजे आने दीजिए, आप चौंक जाएंगे, वहीं से 400 होता है। तो महाराष्ट्र से आपको पूरी उम्मीद है कि 41 से पक्का? हम देखिए आंकड़ा 41 का 40 हो जाए या 42 हो जाए, कमोबेश यही परिणाम रहेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, हम 100% रिपीट करेंगे। राजस्थान में हमारी बहुत कम कटौती हो सकती है, 1-2 सीट। उत्तर प्रदेश हम 5-7 सीट की बढ़ोतरी करेंगे। ओडिशा हम 16 के आसपास जा सकते हैं, और 16 और आसाम में भी 12 के ऊपर चले जाएंगे, 12 भी हो सकती है। बंगाल हम कम से कम 30 सीट जीतेंगे। पिछली बार आपने मुझसे 25 कहा था इंटरव्यू में, 30 ये तो हम जोड़कर अब निकाल ही सकते हैं कि कितना होगा, 370 होगा कि नहीं, आपने सारे आंकड़े दे दिए। नहीं, मैं महाराष्ट्र में अजीत पवार कह रहे हैं हर जगह जाके कि वो जब उन्होंने ये गठबंधन आपके साथ किया तो शरद पवार जी की ब्लेसिंग से किया, आप इस मुद्दे के बीचों बीच थे, तो आप कुछ बताएं सत्य क्या है? नहीं, मुझे मालूम नहीं वो किसको पूछकर निर्णय करते हैं, वो इनका इंटरनल मामला है, मगर ये सही है कि जब उनको अन्याय हुआ तो बड़े परेशान होकर वो शरद पवार जी का साथ छोड़े थे। ब्लेसिंग था या नहीं था वो तो शरद पवार जी ही कह सकते। वो आपके संग नहीं आने वाले थे, उनका आने का कोई इरादा नहीं था। हमारी चर्चा नहीं, आपकी चर्चा। बंगाल की आपने बात करी, बहुत बड़ा नंबर आपने दिया है, तो पिछली बार भी 18 था, इस बार आप कह रहे हैं 30, तो ये कैसे होगा, इसमें क्या मुद्दे हैं, क्या संदेश खाली बहुत बड़ा मुद्दा है? संदेश खाली से जनता नाराज है, वहां पर करप्शन बे इंतहा करप्शन हो रहा है, इससे जनता नाराज है, घुसपैठ से जनता नाराज है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से जनता नाराज है, और भतीजे के गुंडे की कट मनी से भी जनता नाराज है। उड़ीसा में दोस्त ना रहा, आप लोगों के रास्ते अलग हैं वहां पे। कल मैं प्रधानमंत्री को जब इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये उड़ीसा की अस्मिता का पर सवाल है इस बार, तो आप इसको कैसे देखते हैं, उड़ीसा में क्या हो? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि ओडिशा विकास के मामले में पिछड़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ओडिशा की भाषा, ओडिशा की संस्कृति, ओडिशा का पहनावा, इसकी गरिमा पर भी गंभीर रूप से चोट हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि किसी भी राज्य की भाषा संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हर राज्य का विकास अपनी संभावनाओं की सबसे ज्यादा संभावनाओं का दोहन करते हुए होना चाहिए, जो उड़ीसा में नहीं हो रहा है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि हम अलग लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उड़ीसा की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। आपने बड़ा नंबर दिया लोकसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका असेसमेंट अभी चुनाव की काफी देर है, प्रत्याशियों की घोषणा दोनों ओर से बहुत लेट हुई है, मेरा एक ही दौरा हुआ है, थोड़ा असेसमेंट आएगा, परंतु मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ओडिशा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। स्टेट में भी, स्टेट के चुनाव में जी, उत्तर प्रदेश में आपने अभी कहा कि आप सीटें बढ़ाएंगे पिछली बार की तरफ, पिछली बार से उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ाए, मतलब
अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 हो सकती है। अरे ये तो बहुत ही बड़ा बयान है आपका, रिकॉर्ड 2014 का ब्रेक होगा जी, 71 और 73 हो सकता है। हम सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 भी जीत सकते। इसका मतलब आप अखिलेश को कन्नौज में हराएंगे, अखिलेश जी को, डिम्पल को मैनपुरी में हराएंगे, उनकी पूरी फैमिली फिरोजाबाद आजमगढ़। मैंने संभावना कहा है कि हम 80 की 80 कर सकते हैं, हमारी सीटों की बढ़ोतरी होना निश्चित है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कभी हाँ कभी ना, कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं, अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे हैं, अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। अगर नहीं लड़ना था तो इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी, किसी कार्यकर्ता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्क तो कर सकता था। ये कंफ्यूजन जो है कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अमित जी अभी हम लोग कुछ दिन बिहार में थे तो वहां पे ये देखा गया है कि जो आप जो तेजस्वी और जो गठबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वो इस बार आपकी कुछ सीटों में कुशवाहा वोट काटने की कोशिश कर रहा है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, पिछली बार 40 में 39 थी, इस बार कुछ कटौती हो सकती है वहां, जैसे आपने राजस्थान की बात करी। नहीं मैं नहीं देखता बिहार में कोई गड़बड़ होगी। तो बिहार में आप कॉन्फिडेंस है कि आप रिपीट करेंगे जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस? साउथ इंडिया में एक बार चलते हैं, इस बार आप लोगों ने वहां बहुत समय बिताया, प्रधानमंत्री ने वहां बहुत दौरे किए, आपने खुद पर्सनली वहां पे बहुत दौरे किए, आपने बयान भी बड़े बड़े दिए हैं, तो साउथ इंडिया एक अगर पूरा साउथ का सीन ले लें तो अगर 129-130 सीटों में आप कितनी सीटें देखते हैं? पिछली बार आपकी कर्नाटक साउथ के चारों राज्यों को मिलाकर हम कांग्रेस से तो आगे ही जाएंगे। कुल मिला के कितनी सीटें? क्या केरला तमिलनाडु में खाता खुलेगा? हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं जी, खाता तो निश्चित रूप से खुलेगा, परंतु सीटों का अनुमान लगाना वहां इसलिए दिक्कत है कि बड़ी कांटे की टक्कर हुई है। पर दोनों प्रदेशों में, मतलब तमिलनाडु में भी खुलेगा, केरला में भी खुलेगा, और तेलंगाना और आंध्र को कैसे देखते हैं आप? आंध्र प्रदेश में हमारा अलायंस है, हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, अभी शुरुआत है, और तेलंगाना में तो हम लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारी अब तक की हाईएस्ट सीट हम वहां से जीतेंगे। अमित जी एक सवाल और, इस चुनाव के पहले दो सीएम जो है अरेस्ट हुए हैं, केजरीवाल जी अरेस्ट हुए, वो तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी भी अंदर हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से टाइमिंग ऑफ अरेस्ट पर क्वेश्चन उठाया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करेगी जी, मगर मैं बताना चाहता हूं ये 19 समन के बाद हाजिर नहीं हुए, पहले समन में अगर आए होते तो चुनाव के 6 महीना पहले अरेस्ट हो जाते। 19 बार समन्स दिया गया, वो आए ही नहीं। अब उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी कह रही हैं कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, वहां पे उनको ठीक से रखा नहीं जा रहा है, ये उनको मारने की साजिश है। देखो भैया जी, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है जिसके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, तो क्या उनको मारने की साजिश वो स्वयं कर रहे हैं? वो कहते हैं कि वो डीजी प्रिजन्स जो है वो दिल्ली पुलिस को शायद रिपोर्ट करता है। जरा भी नहीं, प्रिजन सीधा दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करता है। तो इसमें आपका कोई वो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऑपोजिशन ईवीएम के बारे में बहुत सालों से बात कर रही है, हर बार नारा लगाती है कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम की वजह से चुनाव जीतता है। अब आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं, देखिए आप क्या ये कर पाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन? मैं पहले एक बात स्पष्ट कर दूं जी, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो सोच विचार कर नहीं बोलते हैं। अगर हम ईवीएम के कारण जीतते हैं तो तेलंगाना में क्यों हारे, तमिलनाडु में क्यों हारे, केरल में सालों से क्यों हार रहे हैं, हिमाचल में क्यों हारे, बंगाल में क्यों हारे? या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए कि ईवीएम से आए नतीजों में हम जीतते हैं तो भी शपथ नहीं लेंगे जी। जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। किस प्रकार की राजनीति है भैया? जब आप जीतते हो तब ईवीएम सही है जी। जब हारते हो तो ईवीएम नकारा है। क्या देश की जनता ये सब नहीं समझती? क्या
देश की जनता इसको समझती है, मगर मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इतनी बड़ी पार्टी अपने नेता के एडवाइजर क्यों नहीं बदलती है। मैं दूर से देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। खैर छोड़िए, वो उनकी पार्टी का सवाल है। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है जी। और हम उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगला चुनाव 2029 वन नेशन वन इलेक्शन होगा? देखिए, तो संसद को निर्णय करना है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रयास करेगी और उसको जमीन पर उतारेगी। अमित जी, थोड़ा हटते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट पर एक आर्टिकल आया है, उसमें जो है उन्होंने कहा है कि रॉ, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ प्लॉट कर रही थी कुछ टेररिस्ट को यूएस में मारने का वहां पे, और उन्होंने कहा ये जो है ये डार्क साइड ऑफ मोदी सरकार है। इसका पहले कनाडा में भी आपको पता है। देखिए, इस प्रकार की रिपोर्ट के आधार पर, इतनी गंभीरता से मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई कॉन्क्रीट आरोप है तो एजेंसियां उसका जवाब देगी। अगर कोई सरकार डिप्लोमेटिक मेथड से हमारे साथ चर्चा करती है तो हम इसका जवाब देंगे। कनाडा में निज्जर के मर्डर पे भी ये बात हुई थी कि जो है ऐसे आरोप मीडिया में लगने से मैं नहीं मानता कोई गंभीर सवाल खड़े होते। इसी से जुड़ा हुआ एक और रिपोर्ट आई थी, वो गार्डियन पब्लिकेशन में थी, उसमें था कि पाकिस्तान में 20 टेररिस्ट को जो है इंडिया ने, फिर रॉ की बात थी, कुछ लोगों को इस्तेमाल करके वहां पे उनको मारा, टेररिस्ट को वहां पे मारा पाकिस्तान सॉइल में। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, किसने मारा ये तो ढूंढने का सवाल है, परंतु मैं इतना निश्चित रूप से मानता हूं कि ये तो एक्सपोज हो ही गया कि पाकिस्तान की सॉइल पर भारत में आतंक फैलाने वाले लोग थे। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, आपके काफी वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा जो कि खड़ा होकर साइड से तमाशा देखेगा, ये भारत वो है जो घर में घुस कर मारता है। इस पर आपका क्या विचार है? निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब मिलता है। ये वेस्टर्न प्रेस में पिछले कुछ महीनों से तमाम आर्टिकल आ रहे हैं जो कि भारत में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, तानाशाही, तमाम तरह की बातें करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कोई इसमें, ये इलेक्शन के समय में ये जो बार बार पिछले तीन चार महीनों में आता है, इसमें कोई आप साजिश देखते हैं? या साजिश छोड़ दीजिए, मैं बड़े गौरव और विश्वास के साथ कह रहा हूं, हमारा लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव तीनों दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। अमित जी, कश्मीर पर एक सवाल, क्या कश्मीर पे बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़ेगी? आपने कहा है कि आप वहां पर आवाम का दिल जीतना चाहते हैं, तो ये सीधा सवाल है, इसका आप क्या जवाब देंगे? अभी पार्टी ने तय नहीं किया है, पार्टी तय करेगी, परंतु हम जम्मू में परंपरागत रूप से लड़ते ही रहे। कांग्रेस एक बात और कह रही है कि ये इसको लोकतंत्र की हत्या का वो दे रही है, कह रही है कि मुकेश दलाल निर्विरोध जो है चुन लिए गए सूरत से, अभी इंदौर में भी ऐसा हुआ है। देखिए, इस देश में 37 लोग निर्विरोध चुने गए और उसमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस के चुने गए, तब तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा। हर पार्टी ने अपने अच्छे कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए, अब कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती इनके कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, कार्यकर्ता हार देखकर मैदान से भाग जाता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है भाई? इनके उम्मीदवारों को टिकाने का काम हमारा नहीं है, उनका है। अभी एक मुद्दा और आज उठा है, जो है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक भारत विरोधी सभा अटेंड कर रहे थे, जहां खालिस्तान के नारे लगे, प्रो खालिस्तान नारे लगे, वहां पे प्रधानमंत्री और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो है पोस्टर लगे, जिसको कि कहा ये वांटेड हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे क्या कोई भारत कोई कड़ा विरोध करेगा? भारत सरकार ने वहां के राजदूत को आज समन किया था जी, और उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया है, नाराजगी भी हमारी व्यक्त की है हमने। तो इस पर और कोई कार्यवाही की अभी नहीं, इसका जवाब आने के बाद आगे बात होगी। अमित जी, आप इतना दौर कर रहे हैं, आज तीन अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आए हैं, उसके बाद आपने हमको इतना समय दिया, कल भी मैंने सुना है कि तीन राज्यों में जा रहे हैं,
इसको आप कैसे, इस तरह का पनिशिंग शेड्यूल कैसे मैनेज करते हैं और ये काफी महीनों से आप कर रहे हैं? ये सालों से आदत है भाई, कार्यकर्ता था तब, छोटे स्तर पर काम करता था तो भी दौरे होते थे, राज्य के होते हैं, अब देश के होते हैं। ऑपोजिशन की नींद उड़ाने में के लिए आप जाने जाते हैं, आप सो पाते हैं कि नहीं? मैं कभी नेगेटिव सोच के साथ काम नहीं करता, मैं मेरी पार्टी को जिताने के लिए काम करता हूं। हाँ, इससे किसी की नींद उड़ती है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरी पार्टी को जिताना, मेरी पार्टी के लिए काम करना ये मेरा दायित्व है और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करता हूं। अमित जी, आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, साबरमती तट तक आप आए और यहाँ पे आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी।